First question that we need to do is from the unit 1. After unit 1, the very first question hamare paas hona chahiye, that is write down the importance. I repeat, write down the importance of the function of language. Yes, it's followed a pedagogy of English. Now, pedagogy of English ke andar pehla question sabse respected aaya, functions and importance of language. Yes, you guys need to clear the functions and importance of language with a special reference of English language. Yes, we need to give the answer. तो क्वेश्चन आ गया फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसको अच्छे से ऑन टिप कर लेना है. आपने कहा सर जैसे ही होता हमारे पास दूसरा टर्म आता है, दैट इज साथ में ना इस ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स भी लिख देना. रियली ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन लिखाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा. याद रखना उसको प्लीज दिमाग में रखना कि मैं बताता रहूंगा. तो पहला तो फंक्शन है इंपॉर्टेंस, द सेकंड वाज डिस्कस लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग and learning English language. I repeat, linguistic principles on which the teaching and learning of English should be based. वो linguistic principles बताने हैं जहाँ पे teaching और learning English language base करती है. Yes, this is the most expected questions. Then come up next one. What do you mean by language acquisition? सर ये शॉर्ट नोट है या ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, मतलब दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं. वेदर इज द शॉर्ट नोट, सर ये शॉर्ट नोट में आ सकता है या फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, दोनों फॉर्म में आ सकता है. 16 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी होता है. तो आपको पता होना चाहिए हमें कितना कहाँ लिखना है. क्या हम नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट डू मीन बाय इंडक्टिव, आई रिपीट, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज. या लैंग्वेज में जिनके पास साइंस है, जिनके पास मैथ्स है, जिनके पास इंग्लिश है, जिनके पास इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग प्लीज फॉलो करना. यहाँ इंग्लिश लिख देंगे हम, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ऑन टिप कर लेना गाइस. इसका डिफ्रेंसिएशन भी आपको आना चाहिए. तो जिनको समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल पर ऑलरेडी हैं, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लें ताकि आप इस वीडियो को एक्सेस कर पाएं. जितने भी क्वेश्चन बोलूँगा सारी वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी. एंड यू नॉट गोइंग टू कि यार मेरे को सर ये नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा. अगर ऐसा कुछ होता है, कोई नया टॉपिक आता है जो आपको समझ ना है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. जंप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट आर द मेरिट्स, आई रिपीट, वॉट आर द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स. सर मेरिट्स और डी मेरिट्स किसके, इंडक्टिव और डिडक्टिव के, दोनों के मेरिट्स और डी मेरिट्स पता होना चाहिए. डिफरेंस मैंने बोल दिया, उसके मेरिट्स और डी मेरिट्स से उसी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यू करना है. देन वी आर हैविंग डिफाइन होल लैंग्वेज अप्रोच. ये वो क्वेश्चन जो मेरे एग्जाम में भी आया था, आई स्टिल रिमेंबर. तो कोर्स कंटेंट में सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन की है, थोड़ा इधर उधर किया गया, बाकी ऑलमोस्ट वही है, कुछ चेंज नहीं किया गया. डिफाइन द होल लैंग्वेज अप्रोच, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होती है, उसको कैसे क्लियर करते हैं. अब एक अगला क्वेश्चन आता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जो हर स्टूडेंट को ऑन टिप होता है. सर मल्टीलिंगुअल अप्रोच और बायोलिंगुअल अप्रोच, आई रिपीट, मल्टीलिंगुअल अप्रोच एंड बायोलिंगुअल अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये क्वेश्चन हो गए कौन सा, हमारे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हो गए. इज दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट. आई होप आपने लिखे होंगे. मैंने पिच को बहुत स्लो रखा, मैं बड़े आराम से बोल रहा था, अगर फिर भी लगे कि कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ एक बार बैकअप में जाएंगे और क्लियर करेंगे. एंड दोज दैट सीरियस जिनको लग रहा है कि यार कुछ मिस हो गया, सर कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे क्लियर करेंगे, तो यार मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करना, नीचे लिखी आएगी अभी, अगर आ चुकी है तो ठीक है, नहीं तो अभी आएगी. जिसमें आपको इंस्टा आईडी को फॉलो करना, वहाँ सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं. जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कहता है यूनिट नंबर टू. सर द यूनिट नंबर टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग. आई रिपीट, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग. अब मेथड और अप्रोच दोनों में क्या फर्क है, दोनों के टीचिंग को क्लियर करेंगे. इसमें इसके ऑब्जेक्टिव, इसके कॉम्पोनेंट्स, क्या चीज़ें हैं जिनको हम स्टेप्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर होनी चाहिए. दिस मस्ट बी नोन योर टिप. आपने कहा सर हाँ इसको करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या होगा बेसिक वे, that is the method and approach of teaching. The next one, direct method of teaching. सही है, तो उसी का पार्ट है ना, टाइप्स ऑफ टीचिंग आ गया, तो डायरेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग उसी का पार्ट है. बायलिंगुअल में आपको बता चुका हूँ, मल्टीलिंगुअल आप ऑन टिप कर चुके हैं. वॉट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, आई रिपीट, वॉट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच. सर वॉट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एंड वॉट इज इट्स इंपॉर्टेंस. तो उसका ऑब्जेक्टिव बताऊँ चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस भी बताऊँ चाहिए, हम कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीज़ें फॉलो करना. अब स्ट्रक्चर अप्रोच के बाद मैं कॉम्पिटेटिव अप्रोच बोलता हूँ, कॉपरेटिव टीचिंग बोलता हूँ, ये सब इसमें आते हैं. बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी है, साउंड आज फर्स्ट रूम में हूँ तो यहाँ आवाज़ आएगी, रोड द्वार स्तर है तो थोड़ा क्लियर करेंगे.
या आप लोग दो तीन चीजें, स्ट्रक्चरल अप्रोच होगी हमारे पास, कम्युनिकेटिव अप्रोच होगी, देन वी हैव द सर्टन वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग, चाहे वो प्रोज है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो एसे राइटिंग है, इसको कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ने के तरीके को, पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश। आई रिपीट, एक कॉन्सेप्ट लेना, व्हाट डू यू मीन बाय पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश, जिसको दूसरे वर्ड में व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग ऑफ इंग्लिश, उसको ऑन टिप कर लें। व्हेन यू गाइस गो विद द टिप्स की चीजें ऑन टिप पहुंची, यू बी एबल टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल एड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वी नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल एड, ये इंस्ट्रक्शनल एड क्या होता है, इसमें काम कैसे करेंगे, इन चीजों को हमें बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर करना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। देन आईसीटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, इसका क्वेश्चन 100% पेपर होगा, किसी ना किसी फॉर्म में होगा ही होगा। देन वी आर हैविंग द ग्रुप डिस्कशन, डोंट टेक इट लाइटली, सीरियसली आई एम सेइंग डोंट टेक इट लाइटली, कि आप लोग बोले यार ग्रुप डिस्कशन में क्वेश्चन नहीं आता, किसने बोल दिया सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल भी ये आता है, कन्फर्म आता है, इसको क्लियर करके जाना। द नेक्स्ट वन, नाउ यूजली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को टच भी नहीं करते, क्या ये क्वेश्चन नहीं आया, इंग्लिश इज नॉट लैंग्वेज वन नेशन नाउ, इट्स लैंग्वेज द होल वर्ल्ड, इसको लैंग्वेज लेबोरेटरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन लैंग्वेज लेबोरेटरी, डिस्कस इट फंक्शन, नीड, इम्पॉर्टेंस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फंक्शन बता दी, उसके इंपॉर्टेंस बता दी, उसके मैरिज बता दी, उसके डीमेरिज बता दी, तो हम पूरा का पूरा क्लियर कर लेना है कि ये है कैसे, वो कैसे करना है, किन चीज़ों को फॉलोअप करना है, कैसे हम बड़े आराम से उसको डेलिबरेटली वे में चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे, एंड विल गेट द बेसिक एडवांटेज। जंप अप टू यूनिट नंबर थ्री, अब जैसे यूनिट नंबर थ्री पे आते हैं हमारे पास क्वेश्चन आता है, सबसे पहले डिफाइन प्रोनाउंसिएशन, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस सर्टन वर्ड, किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हो, करने का तरीका क्या है, कौन सी चीजें फॉलो करनी, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। दैट इज, अब एक टीचर स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंपॉर्टेंट करेगा, हाउ टीचर गोइंग टू यूज द सर्टन वेज जिनसे उसको इम्प्रूव करेगा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, इससे लिंक टर्म है फोनेटिक्स, वट इज फोनेटिक्स, या फोनेटिक्स क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या है, उसको लर्निंग ऑफ इंग्लिश में क्यों यूज करना चाहिए, हाउ टू डील विद दिस, इन सब की वीडियो है मेरी, आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू गो टू दैट वीडियोज एंड वॉच द वीडियोज सो दैट यू कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट। आगे आते हैं, वॉट इज स्लेबल, स्लेबल क्या है, स्लेबल में स्ट्रेस क्या होता है, एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस लेवल होता है, स्लेबल दो तरह का होता है, एक स्ट्रेस लेवल और एक अनस्ट्रेस लेवल। मैंने कहा एक ही वर्ड को बोलते हो जब वोवो साउंड सुनाई देता है, और जिस वोवो साउंड वाले वर्ड को हम खींचते हैं वो कहलाता है स्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस वो है जो सोचने वाला है, सॉरी ये स्ट्रेस वो है जहाँ चीज़ को जरूर से ज़्यादा प्रोनाउंस करते हैं, राहुल, रा मेरा नाम है राहुल, तो रा रा हमें हम क्या किया, हमने ये सर अनस्ट्रेस था, इस लेवल है रा अलग सुना, हुल अलग सुना जाता है, हुल राहुल, तो उसको हमने स्ट्रेस दे दिया, मैंने हम गिविंग स्ट्रेस टू दैट, दैट इज स्ट्रेस लेवल। तो स्ट्रेस अनस्ट्रेस इसको क्लियर करेंगे, डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। सर गेम मेथड, आई रिपीट, गेम मेथड इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन रोल प्लेइंग मेथड, रोल प्लेइंग गेम मेथड, इसको कैसे करना है, करने का तरीका होगा। व्हाट इज सिमुलेशन, सर सिमुलेशन क्या है, ये तो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था, वो यहाँ पे भी उसका यूज एडुकेशन में क्या, अब कई शोर में सर सब कुछ ही बता रहे हो आप, तो कुछ छोड़ ही नहीं, ये पेपर सीरियसली बहुत बड़ा है, इस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ये सारी वीडियोस भी हैं आपको इस चैनल में मिल जाएंगी, मैंने कहा बड़े आराम से करना, लेकिन हाँ छोड़ना कुछ भी नहीं। देन कम टू नेक्स्ट वन, ऑथेंटिक मटेरियल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिक मटेरियल, सर ऑथेंटिक मटेरियल क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या, और क्लासरूम टीचिंग में इसका क्या यूजेस है, दैट इज ऑथेंटिक मटेरियल जो टीचर प्रोवाइड करता है, जिसको हम आराम से क्लियर करते हैं, चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, से मल्टीमीडिया रिसोर्सेज क्या है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसका नेचर, इसके इंपॉर्टेंस आपको ऑन टिप पहुंची। नाउ कमिंग टू द मेजर क्वेश्चन कंफर्म में बनाता है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, यस आई रिपीट, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, दो तरह की रीडिंग होती है, एक होते हैं इंटेंसिव, एक होते हैं एक्सटेंसिव। से एक रीडिंग जो हम सिर्फ रीड करने लग रहे हैं किया खत्म ना नहीं, एक मैं उसको घोट के पी जाता हूँ, आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दैट, दैट इज इंटेंसिव रीडिंग, कितने अच्छे से पढ़ते हो, पढ़ने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को फॉलो करते हो, एक एक चीज़ ऑन टिप पहुंची फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, मतलब आपने कहा सर क्या करना है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो है, एक एक पॉइंट को क्लियर करो। इसका इस ब्लॉक में ना, जो ब्लॉक नंबर थ्री है, इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, पोएट्री कैसे लिखेंगे, इन पे काम कर लेना, अगर चाहो तो देख लेना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेपर में नहीं आएगा। कम टू नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग, या दिस इज मोर ब्लॉक नंबर फोर,
रेमेडियल टीचिंग, आपको रेमेडियल टीचिंग ऑन टी पहुंची, इसको लेकर रिस्क मत लेना है प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट्स आएगी। सी सी दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यू इवेल्यूएशन, सी सी ई का क्वेश्चन पेपर में 100% होगा गाइस। अब अगर आप बोलते हो कि ये कर लेंगे हो जाएगा तो फिर गड़बड़। यूनिट टेस्ट ग्रेडिंग, इसको प्लीज कर लेना, पेपर में पूरा फुल प्लस क्वेश्चन आएगा। अगर आप सोचो कि सर नहीं आएगा हम तो कर लेंगे बाद में, फिर नहीं होने वाला। शॉर्ट नोट में पोर्टफोलियो, यस पोर्टफोलियो को क्लियर करना है। इवेल्यूएशन क्लास, इवेल्यूएशन क्या होता है, क्लास टेस्ट क्या होता है, इस पे काम करेंगे। देन व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर इवेल्यूएशन, पहले तो पीयर इवेल्यूएशन होता क्या है, एक बच्चा एक बच्चे को पढ़ा रहा है, मतलब एक ही एज के बच्चे साथ में बैठे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर, इसको पीयर इवेल्यूएशन बोलते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, व्हाई टू बी फॉलोड, ये भी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, से इंपॉर्टेंट है। हाँ क्रिटिकल थिंकिंग अगला आएगा हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्लियर करना जरूरी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन आई विल गो टू टू पॉइंट्स, क्रिएटिव थिंकिंग, द फर्स्ट क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग ये होती है कैसे काम करते हैं, उसका रीजन क्या होता है, एंड देन नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इनको अच्छे से क्लियर करना। अब आपने कहा सर ये तो हो गए हमारे मेजर क्वेश्चन, नहीं मैंने शॉर्ट क्वेश्चन साथ में बताया, मैंने डिफाइंड किया, हाँ लेकिन मैंने यूनिट वाइज आपको बताया कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो गाइस जस्ट फॉलो दीज क्वेश्चन ब्लाइंडली, आई अश्योर यू कि पेपर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग बड़े आराम से कर लो। अब रह गया सर हमें ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, सर फ्लाफ वाला टॉपिक मुझे नहीं आता, उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी तरह की हेल्प होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आएँ। एंड दोज़ वो आर इंटरेस्टेड जॉइन ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, दोनों शुरू हो चुकी हैं, यू कैन जॉइन द क्लासेस टू क्रैक यू पेपर ईजली, तो यू नो वॉट टू डू, ऑल द बेस्ट गाइस।